हाई गाइज, आई एम आयुष, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे हम फ्रॉम 11th टू 20th ऑफ जुलाई। सो यस, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द DOLLB एग्जामिनेशन, सिंस द एग्जाम डेट्स आर नॉट आउट, आई वुड से दैट यू नीड टू डू करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एंड हियर वी आर, keep doing this, keep revising, keep practicing a lot of questions. If you're looking for material to practice questions and content on current affairs, it is available on our website www.lawdigest.in. starting with the national topics, firstly the news that we are seeing at is वर्ल्ड की 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस जो टाइम मैगजीन ने रेट करी हैं फॉर द ईयर 2022, उसमें केरला एंड अहमदाबाद हैव मेड इट, एंड इंटरनेशनल रिकग्निशन इज़ बीइंग गिवन। देन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी नेशनल कैंपेन लॉन्च करने वाली है, जो कि कर दिया है, हर घर तिरंगा कैंपेन, जहाँ पर बेसिकली दिस इज़ कमिंग अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव दैट वी बीन सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड दिस बेसिकली मीन्स दैट पीपल दे कैन होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट देयर होम्स, एंड इट इज़ नाउ पॉसिबल, विच वॉज अर्लियर यू नो चैलेंज। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था नवीन जिंदल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पर उन्होंने ये चैलेंज किया था, अब लोग फ्रीली ऐसा कर सकते हैं। देन एक और कॉन्ट्रोवर्सी जो हमने देखी नेशनल एम्बलम को लेके, रिगार्डिंग द दिस नेशनल एम्बलम, स्टैटिक जी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एम्बलम में क्या सिंबल है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, वॉट इज़ दिस सिंबल नोन एज। सो बेसिकली ये जो नेशनल सिंबल है, ये PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च इनाग्रेट किया, अनवील किया एट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसके फॉयर पे, सेंट्रल फॉयर पे ये इनाग्रेट हुआ। एंड इसको लेके बहुत इशूज हुए रिगार्डिंग द फेस of the lions and how the modification has been done. So these were the controversial issues. Then India ne first firing unit induct kar li hai of S-400 air defense system, and iski second unit bhi under the process hai, aisa bataya gaya by the AIF chief. Then INS Sindhu Dwaj was commissioned after 35 years of glorious service to the nation. अब ये सिंधु ध्वज जो है यहाँ पर, this is basic, it basically means flag bearer at the sea. तो इसके ऊपर जो icon है that has been casted of a grey color nurse shark, and ये inaugurate किया गया at the ceremony. Then वाराणसी जो है, इट विल बी द फर्स्ट सिटी टू बी ग्रांटेड रोटेटिंग टाइटल ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बाय द SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वी कीप हियरिंग अबाउट इट इन द न्यूज़ एंड इट्स अ बिग वन फॉर वाराणसी। देन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एपेक्स कमिटी सेट की है विद डिफेंस सेक्रेटरी एज चेयरमैन, ताकि परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट कंडक्ट किया जा सके इनटू द वेरियस एक्टिविटीज़। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, विच इज़ बीइंग ऑपरेटेड ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। देन इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करें, 69% ऑफ द अफगान पीपल चोज इंडिया एज अफगानिस्तान्स बेस्ट फ्रेंड अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे। एंड यहाँ के लोगों ने बेसिकली ये बोला कि US ने जिस तरह से एग्जिट किया है, इट गेव द अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान एंड चाइना टू इनकरेज तालिबान इन काबुल। देन 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है वो स्टार्ट हुआ इन बर्लिन, एंड इट वॉज चेयर्ड बाय जर्मनी एंड इजिप्ट जो होस्ट हैं इस ईयर की COP 27 के। देन साउथ एशिया जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उस पे ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट जो रिलीज़ की उन्होंने, उसमें बांग्लादेश इज़ अमंगस्ट द हाईएस्ट रैंकिंग इन द साउथ एशियन कंट्रीज़। एंड अगर टॉप की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ये टॉप की कंट्रीज़ हैं। एंड ऑब्वियसली अफगानिस्तान इज़ द लास्ट वन,
प्रिसीडेड बाय पाकिस्तान। देन लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी, ऋषि सुनक इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं यूके प्राइम मिनिस्टर के, एंड वहाँ पर ऋषि सुनक ने सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग भी विन कर लिया है। फर्स्ट राउंड ही वन एंड नाउ इज़ वन द सेकेंड राउंड एज वेल, एंड ही विल बेसिकली सक्सीड बोरिस जॉनसन। देन मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस एक इनिशिएटिव है, मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका, ये लॉन्च किया जाएगा बाय नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया। बेसिकली ये लॉन्च किया जा चुका है, एंड इंडिया ने ये भी रिक्वेस्ट करी यूएन से कि 2023 को वर्ल्ड मिलेट्स डे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया जाए। देन मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा, इन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडियन ईस्ट फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया थाईलैंड रिलेशंस। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, एंड ये फेस्टिवल जो है ये बैंकॉक में कंडक्ट कराया गया। देन इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएस ने I2U2 समिट जो है वो इनॉग्रेट करी, विच बेसिकली फोकसेस ऑन फूड सिक्योरिटी क्राइसिस एंड क्लीन एनर्जी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ नाम्बिया ने एक MOU साइन किया है ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन, एंड इस स्कीम के थ्रू चीताज को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है विद फुल स्विंग। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उसकी जो एजेंसी है इसरो ने कोलैबोरेट किया है विद UIDAI टू लॉन्च भुवन आधार पोर्टल। इस पोर्टल के थ्रू जो आधार कार्ड होल्डर्स हैं दे कैन एक्सेस सम फीचर्स विच इंक्लूड प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, रूट नेविगेशन टू द नियरेस्ट आधार सेंटर्स एंड जियो स्पेशल डिस्प्ले ऑफ आधार सेंटर्स। देन राजनाथ सिंह विल हैज़ लॉन्च्ड दुनागिरी अफ्रीगेट अंडर द प्रोजेक्ट 17A एट द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन कैलकटा। देन अगर आगे बात करें 10 क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर्स दे वर रिलीज फ्रॉम दी एवियरी इन एवियरी बेसिकली जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है एट राजा भतखावा नियर बक्सा टाइगर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, एंड इसके लिए इनको गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है। देन IIT मद्रास ने एक टूल डेवलप किया है विच इज़ कॉल्ड पिवट दैट कैन प्रिडिक्ट कैंसर कॉजिंग जीन्स इन एन इंडिविजुअल। देन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल जो है ये मूव करा गया राज्यसभा में। ये बिल बेसिकली सीक करता है कि जो ये एक्ट है 2005 का इसको अमेंड किया जाए। नाउ व्हाट बेसिकली इज बीइंग सॉट अंडर दिस इज कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट सेल इन चीज़ों को लेके रिगार्डिंग दी इलीगल वेपन्स उसको रेगुलेट किया जा सके। देन इंडिया का फर्स्ट ड्रोन जो है जिसका नाम है वरुण, इट हैज़ बीन रिलीज्ड, ये रिलीज़ किया गया ड्यूरिंग द स्वावलंबन समिट सेमिनार जो हुआ दिल्ली में, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। देन मूविंग फॉरवर्ड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स, DBS बैंक हैज़ बीन रिकग्नाइज एज द वर्ल्ड्स बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी फॉर द सेकेंड टाइम। देन एज यू नो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, ही वॉज शॉट ड्यूरिंग अ सेरेमनी, एंड इनको अब द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिश्चैंथियम अवार्ड दिया जा रहा है पोस्टमसली, यानी डेथ के बाद। ही इज़ द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान टू हैव रिसीव दिस अवार्ड। देन
ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार जो अवार्ड है वो जापान ने दिया है टू द सनमार ग्रुप वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार इन रिकग्निशन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया. इंडिया से पल्लवी सिंह को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल मिला है एट द फाइनल्स दैट वर हेल्ड इन साउथ कोरिया. शी बेसिकली हेल्स फ्रॉम कानपुर इन इंडिया. देन स्पोर्ट्स की बात करें तो मेराज अहमद खान को इन्होंने बेसिकली हिस्ट्री बनाई है बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप इन साउथ कोरिया मेंस इवेंट में. देन इंडियन शटलर जो हैं पीवी सिंधु, शी हैज़ वन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ सिंगापुर ओपन एंड शी डिफीटेड वांग जी ऑफ चाइना. इनका जो फर्स्ट मैच था वो मेयर 12 मिनट्स में ही ओवर हो गया था. शी परफॉर्म्ड सो वेल. देन चेस की अगर बात करें तो इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदना ही हैज़ वन द पैरिसन ओपन ए चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया. ये 16 ईयर ओल्ड हैं. देन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है 322 मेंबर स्ट्रॉन्ग इंडियन स्क्वाड जो अब जो प्रेजेंटली चल रहे हैं बिरिंगहम में कॉमनवेल्थ गेम्स में रिप्रेजेंट करेगा ये कॉन्टिजेंट. देन अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम जो आर्चर्स हैं इन्होंने मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी इवेंट में जीता है एट द वर्ल्ड गेम्स 2022. देन पैरा बैडमिंटन स्क्वाड कंक्लूड करी गई एट आयरलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 इवेंट जहां पर ये जो 11 मेडल्स हैं ये जीते हैं इंडिया ने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स. देन डेज एंड डेट्स की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 11th ऑफ जुलाई. 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड चेस डे ऑन 20th ऑफ जुलाई. देन अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो IFAD ने स्पेन के अल्वारो लारियो को अपॉइंट किया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट. IFAD का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है रोम में. देन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपॉइंट किया है एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO. चेयरपर्सन की अगर बात करें तो प्रेजेंटली चेयरपर्सन NSE का कौन है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए. आई विल गिव यू अ हिंट, द नेम स्टार्ट्स विद G. देन मूविंग फॉरवर्ड, मनोज कुमार जो फॉर्मर एक्सपर्ट रह चुके हैं एट खादी एंड विलेज इंटरनेशनल कमीशन, ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी. इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी. एंड विनय कुमार सक्सेना, ही हैज़ मूव्ड आउट एंड ही हैज़ मूव्ड ऑन टू टेक द चार्ज एज द LG ऑफ दिल्ली. देन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज विनीत सरन, इन्होंने टेक ओवर कर लिया है एज द BCCI एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन एंड ही सक्सीडिंग द रिटायर्ड जस्टिस DK जैन जिनका टर्म रिसेंटली एंड हो गया है. नाउ विनीत सरन बेसिकली ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं. इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. ये करंट अफेयर्स ओवर होते हैं. दीज वर फॉर द स्पैन ऑफ 10 डेज. फॉर द नेक्स्ट 10 डेज आई विल बी कमिंग आउट विद अनदर वीडियो वेरी सून. Keep following us here, subscribe to the channel for more such videos, and also keep following us on Instagram.